हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू रिकॉर्ड योर कंप्यूटर स्क्रीन यूजिंग वीएलसी मीडिया प्लेयर। अगर आप चाहते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना तो उसे वीएलसी के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप वीएलसी के थ्रू अपने कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया था, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वीएलसी ओपन करना है। वीएलसी ओपन करने के बाद वीएलसी मैं ओपन कर देता हूँ। वीएलसी ओपन होने के बाद हमें मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद ओपन कैप्चर डिवाइस पे जाना है। ओपन कैप्चर डिवाइस में आने के बाद आपको ये कैप्चर मोड में डेस्कटॉप करना है। एंड यहाँ पे जो डिजायर फ्रेम रेट है 10.00 फ्रेम रेट करना है आपने। तो इसके बाद ये जो प्ले की जो बटन बनी है यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा। इस पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कन्वर्ट पे जाना है। कन्वर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे ये सेटिंग वाले मेनू पे क्लिक करके एडिट सिलेक्ट प्रोफाइल जो बनी हुई है इसे सेटिंग मेनू भी कहते हैं। सेटिंग मेनू पे क्लिक करके आप यहां पे इनकैप्सुलेशन में आकर वीडियो का फॉर्मेट सिलेक्ट करें कि कौन सा वीडियो फॉर्मेट आपको चाहिए। आपको MP3 चाहिए, वेबकैम चाहिए, MP4 चाहिए, जो चाहिए। सपोज मुझे MKV फॉर्मेट चाहिए तो MKV फॉर्मेट पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा है वीडियो कोडेक। वीडियो कोडेक में आप देखोगे कि कोडेक मैंने टाइप कर रखा है H264, जो HD मोड होती है, MP4 मोड होती है, सॉरी MP2 मोड होती है, H264 वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो बिटरेट भी डाल सकते हो, यहाँ पे 2000 बिटरेट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी है, क्वालिटी भी आप 10 तक लेके जा सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद ये सेट करने के बाद आपको ऑडियो कोडेक में आनी है। ऑडियो कोडेक में MPG ऑडियो ले लेना है आपने। MPG ऑडियो लेने के बाद बिटरेट यहाँ पे भी है, बिटरेट 120 KBPS लेना है, 120 KBPS ले लो आप, या जितना आप ज़्यादा लेना चाहते हो उतना ले लो, या 128 ही ले लेते हैं, 128 KBPS ले लेते हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हमें सेव करना है। सेव करने के बाद ये ब्राउज पे क्लिक करना है। अपने फाइल को कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो तो उसे पाथ दे दो। सपोज मैं डेस्कटॉप पे ही पाथ दे देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ VLC टेस्ट नाम का फाइल क्रिएट हो। VLC टेस्ट फाइल नेम देने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे स्क्रीन रिकॉर्ड VLC के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करा है मैंने। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अभी इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग का। एक छोटा सा मैं कुछ प्रोसीजर करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे सपोज ये कंप्यूटर वगैरह खोल रहा हूँ, मैं ड्राइव्स ओपन कर लेता हूँ, ये सब चीजें डेस्कटॉप पे आ गया एंड ये डेस्क ओपन कर लिया। बस डेमो के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारे प्रोसीजर होने के बाद आपको फिर से VLC पे आना है और VLC पे आने के बाद यहाँ पे क्रॉस कर देना है और चेक करना है कि हमारा भी रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। ये होने के बाद देखिए VLC टेस्ट नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है। मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करके हम लोग देखते हैं वीडियो हमारा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अभी आप देख लो वीडियो ओपन हो रही है, VLC टेस्ट नाम की वीडियो आ गई। अभी देख लो आप, आपका ये वीडियो रन हो रहा है, जो हम लोगों ने वीडियो भी स्ट्रीमिंग करा था वही वीडियो है। देख, ईच एंड एवरी प्रोसीजर बाय डिफॉल्ट हो रही है। आप कर्सर देख सकते हो, मॉनिटर स्क्रीन मैंने रखा है बीच में, तो आप ये भी नहीं कह सकते मैं ये कर रहा हूँ। जो जो हमने ओपन करा था, अभी एनी डेस्क ओपन करे थे, एनी डेस्क ओपन होगा, क्लोज करा था, ईच एंड एवरी प्रोसीजर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप अभी VLC क्लोज कर रहे हैं, ये क्लोज हुआ और फाइनल जो फाइल आपकी जो है फाइल, देखिए वीडियो अब डिस्कनेक्ट हुआ, यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, वीडियो खत्म हुई और ये जो है आपका VLC का फाइल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप VLC के थ्रू आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो VLC के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के, लैपटॉप के, डेस्कटॉप को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।
इंफॉर्मेशन कलेक्शन।